मैं सौरभ हूँ, ये ललन टॉप है, ये दोनों सेंटेंस ऑब्वियस हैं, तीसरा नहीं है, जो कि है हमारी नई सीरीज ऑस्कर वाली फिल्म है, और आज की फिल्म है 1917। मैं इसे 1917 बोलता हूँ, पर हमारे ललन टॉप शो के प्रोड्यूसर फायर हो जाते हैं, बोलते हैं अंग्रेजी की फिल्म है तो नंबर भी अंग्रेजी में बोली है, इसलिए आई रिपीट 1917 के ऑस्कर में इस फिल्म ने तीन कैटेगरी में अवार्ड जीते। कौन कौन सी? नंबर वन बेस्ट सिनेमेटोग्राफी, यानी कि कैमरा बढ़िया घूमा। नंबर टू बेस्ट साउंड मिक्सिंग, यानी कि आवाज दुरुस्त ढंग से रिकॉर्ड हुई। नंबर थ्री बेस्ट विजुअल इफेक्ट्स, यानी कि जो भी स्क्रीन पे आपको शूशा दिखती है वो सब कायदे की दिखे, इस पर जाबड़ काम हुआ। एक विधवा को खुश करने के लिए रिबन के एक टुकड़े जैसा कुछ नहीं होता। आपने ये डायलॉग सुना, ये बात फिल्म में लेफ्टिनेंट लेजली नाम का कैरेक्टर बोलता है। आप कहेंगे ये डायलॉग तो समझ में ही नहीं आया, हम आपको तसल्ली से समझाएंगे, लेजली के बारे में भी बताएंगे, जो थोड़े वक्त के लिए आता है लेकिन पूरी फिल्म और उसके बाद भी याद रहता है। लेजली एक सच्चा सोल्जर है, युद्ध के आदर्श में खुद को झोंक देने वाला, लेकिन वो युद्ध की निरर्थकता से भी उकता चुका है। जंग चल रही है, लेफ्टिनेंट लेजली एक मोर्चे पर खड़ा हुआ है, उसने संभाल रखा है। तभी तो ब्रिटिश सोल्जर आते हैं, ब्लेक और स्कोफील्ड, ये नाम याद रखिए, बार बार आएंगे, ब्लेक और स्कोफील्ड। इन्हें आगे जाना है दुश्मन के इलाके में, क्योंकि इनके पास एक मिशन है। ये अपना मिशन बताते हैं और लेजली से कहते हैं, हमारे जनरल साहब को पक्का भरोसा है कि जो दुश्मन सेना है, यानी कि जर्मन सेना, वो पीछे हट चुकी है और इलाका खाली हो चुका है, अब हम आगे जाएंगे। लेकिन लेजली को लगता है कि ये थ्योरी बकवास है। वो क्या बोलता है काउंटर में? वो बोलता है, मुंह बंद करो, हम लोग इस घटिया सी जगह का एक एक इंच पाने के लिए लड़े हैं और मरे भी हैं, अब एकदम से ये जगह मीलों तक खाली हो गई, ये एक जाल है। खैर तुम खुश हो जाओ, इसमें भी मेडल छुपा हुआ है, ये पक्की बात है। एक विधवा को खुश करने के लिए एक रिबन के टुकड़े जैसा कारगर कुछ नहीं होता। अब शायद आपको उस एक लाइन के डायलॉग का ज्यादा गहरा मतलब समझ में आ गया हो। ये वो बात है जो युद्ध के बारे में एक कठोर ईमानदारी से कही गई है, पर ऐसा कितनी दफा कहा जाता है? ये कहानी उत्तरी फ्रांस से शुरू होती है, ग्रामीण इलाके, मैदान, दूर तक हरी घास बिछी है, हरे पेड़, पीले फूल, ठंडी बयार। आप कहेंगे विशेषण देने बंद करो, हम कहेंगे आगे चलते हैं, क्योंकि अभी आपको सलेटी बारूद के बादल भी देखने हैं। क्यों देख रहे हैं ये बादल? क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा है, वेस्टर्न फ्रंट, ब्रिटिश सेना डटी है। इसके जनरल हैं एरिन मोर, वो अपने दो सैनिकों को बुलाते हैं। कौन है ये सैनिक? आप इनसे पहले मिल चुके हैं, लांस कॉर्पोरल स्कोफील्ड और ब्लेक। इन लोगों को एक मिशन दिया जाता है, खतरनाक किस्म का, लगभग इम्पॉसिबल। इन्हें दुश्मन जर्मन सेना के कब्जे वाले इलाके से होकर जाना है, फिर अपनी सेना की एक बटालियन तक पहुंचना है और उनको सुबह जो वो हमला करने वाले हैं उसको रोकने के लिए कहना है। क्यों रुकवा रहे हैं जनरल साहब हमला? क्योंकि जर्मन सेना ने इस बटालियन के लिए जाल बिछा रखा है, अगर ब्रिटिश सेना ने हमला किया तो भयानक कत्लेआम होगा, काफ़ी कैजुअल्टीज होंगी। इसको फील पूछता है, हम दो ही लोग जा रहे हैं या कोई और भी है? और इस पर जनरल स्टाइलिश से जवाब देते हैं, चाहे नीचे नरक की ओर हो या ऊपर राज सिंहासन की ओर, वही इंसान सबसे तेजी से यात्रा करता है जो अकेले यात्रा करता है। इतना झामफाड़ डायलॉग सुनने के बाद तो सैनिकों को वैसे भी कुछ नहीं करना था, उन्होंने सल्यूट ठोका और बंकर से बाहर चले गए। लेकिन मिशन पर इन्हीं दोनों को भेजने की एक और वजह थी, ब्लेक का भाई उस फंसी हुई बटालियन में था, ये बटालियन मर सकती थी। तो जनरल साहब को लगा कि सिर्फ ड्यूटी वाला मामला नहीं है, पर्सनल भी है, और भाई की जान बचाने के लिए ब्लेक कुछ भी कर लेगा। लेकिन इन दोनों के पास कुछ भी करने के लिए सिर्फ 8 घंटे हैं, एक तरफ 8 घंटे, बीच में जर्मन टुकड़ी, दूसरी तरफ 1600 सैनिकों की जिंदगी। ये तो बेसिक प्लॉट हो गया, अब हम आपको बताते हैं कि इसमें खास क्या है। 1917 को एक मॉडर्न मास्टरपीस कहा जा रहा है। बोटामाटी इसकी दो वजहें हैं, पहली 119 मिनट की इस फिल्म को सिंगल टेक में बनाया गया है। आप कहेंगे सिंगल टेक क्या है? टेक्निकली समझिए कि सिंगल टेक ये आभास देती है कि लगातार एक ही बार में बिना किसी कट के इसको शूट किया गया है। इसमें कई डिजिटल एडिट्स हैं लेकिन दिखते नहीं है। फिल्म में 6 से लेकर 8 मिनट जितने लंबे टेक्स में शूट हुए हैं। आप कहेंगे ज्यादा मुश्किल नहीं लग रहा सुनने में? आप यूं समझिए कि लगातार सेट्स पे मूव हो रही हैं चीजें, रोशनी बदल रही है, कैमरे लेके आप पीछे भाग रहे हैं ऑब्जेक्ट्स के, और ये लगातार हो रहा है 6 से 8 मिनट के बीच। ऐसा बहुत मुश्किल है, लगभग असंभव। फिल्म पूरी तरह से आउटडोर सेट पर शूट हुई है। हर बढ़ते मिनट के साथ एक नया सेट खुलता है जो बड़े आकार वाला है, शास्त्रीय भाषा में कहें तो विहंगम है, दुर्गम है और बहुत ही असली दिखने वाला।
1917 की मेकिंग ऐसी ही है कि ब्लेक और स्कोफील्ड इन दोनों सैनिकों के साथ हर पग, खाई, मलवा, पानी का बहाव और दुश्मन टेरिटरी में होने का जो डर होता है रीढ़ की हड्डी वाला, वो दर्शक भी महसूस कर सकते हैं। फिल्म की दूसरी खास बात यह है कि ये एक गैर साधारण किस्म की वॉर फिल्म है। जैसे क्रिस्टोफर नोलन की फिल्म थी डनकर्क, उस तरह की फिल्म। 2 साल पहले आई थी डनकर्क, नहीं देखी तो खोज के देखिए। या फिर 2016 में एक फिल्म आई थी हैक्सा रिज। इन्हें देखकर आप युद्ध को रोमांटिसाइज नहीं करते, आपको मजा नहीं आता बम फटते देखकर, बल्कि इसकी विषमता, भयावहता, नग्नता और रक्तपात इनसे कांपते हैं। युद्ध हमें हमेशा डराने चाहिए। और आखिरी में क्या होना चाहिए, हमें सोचने के लिए मजबूर होना चाहिए कि ये जो हमारे इर्द गिर्द की लापरवाह या प्रोपेगेंडा को फ्यूल करने वाली मीडिया है, नेता है, कहीं इनके बहकावे में आके हम भी युद्ध की मांग करने वाली भीड़ के भोले और मूर्ख लोग तो नहीं बन पाए। क्या हमें यह समझ में आता है कि जब वॉर जोन है तब एक सैनिक कोई वीरता भरी नशीली कविता नहीं गा रहा होता, वो रेंग रहा होता है, एक एक क्षण अपनी जिंदगी बचा रहा होता है, और जब वो मरता है तो उसकी मौत की कोई जायज वजह नहीं होती। वॉर की अर्थहीनता को प्रकट करना इस फिल्म की सबसे बड़ी उपलब्धि है, और ऐसा करते हुए वो सैनिकों के काम और उनकी गरिमा को कभी भी कम नहीं करती। एक सीन के जरिए पूरी बात समझाने की कोशिश करता हूँ। एक हवाई डॉग फाइट हो रही है, इस दौरान एक जर्मन विमान क्रैश हो जाता है, आग लग गई उसमें। ब्लेक और स्कोफील्ड वो उसमें बैठे पायलट को बचाने के लिए भाग कर पहुंचते हैं। वो जानते हैं कि ये दुश्मन है, ये जर्मन है, वो जानते हैं कि इसको जलते हुए विमान से निकालना मुश्किल है, पर वो निकालते हैं। एक आदमी उसे बाहर खींच रहा है, दूसरा भाग के उसके लिए पानी लेने जा रहा है। युद्ध की विभीषिका से परे यही वो इंसानियत है जो सारे युद्धों के बाद भी उम्मीद को एक जिंदा शब्द रखती है। मैंने आपको प्लॉट बताया, कुछ सीन बताए, अब मैं वो सीन बचाने का लोभ संवरण नहीं करूंगा जो बेहद जरूरी है। एक लंबी लिस्ट है इसकी जिनको मैं कह सकता हूँ यार ये वाला सीन दोनों एकदम बांध के रख देता है। फॉर एग्जाम्पल, एक सीन है जिसमें स्कोफील्ड और ब्लेक आगे बढ़ रहे हैं, तभी सामने कटीली बाढ़ आती है, उसमें उलझे हुए सैनिकों के शव आते हैं। आप कहेंगे कौन सी बात है, हम कहेंगे कैमरे के सामने अचानक स्कोफील्ड और ब्लेक की नजर से जब ये आते हैं तब आपको झटका सा लगता है। फिर एक सीन है जिसमें स्कोफील्ड दुश्मन की गोलियों से बचकर भाग रहा है, वो भागते भागते एक नदी में छलांग लगा देता है जिसमें खूब रफ्तार से पानी बह रहा है। नदी खूब टेढ़ी मेढ़ी ढंग से गुजरती है, ऊंचाई से गिरता है वो नीचे, थक के चूर किसी तरह किनारे पहुंचना चाहता है और देखता है कि किनारे की तरफ ढेर लगा है। वो ढेर पे चढ़ता है और धीमे धीमे आगे खिसकना शुरू करता है, और जब किनारे पहुंचता है तो उसे महसूस होता है कि जिस ढेर के ऊपर से रेंग कर गुजर के वो आया है वो सैनिकों की तैरती हुई लाशें हैं। आप सोचिए स्कोफील्ड का उस पल क्या हाल हुआ होगा, वही हाल जंग के बाद जंग से गुजरने वाले हर शख्स का होता है। क्लाइमेक्स के ठीक पहले का एक सीन भी कमाल का है। स्कोफील्ड को अटैक रोकना है, उसके लिए उसे कर्नल मैकेंजी तक पहुंचना है, और वो खंदक से निकल के भाग रहा है मैदान में, खुले में, खतरे में। दूसरी तरफ वो दौड़ रहा है, लगातार गोलियां चल रही, बारूद चल रहा है, सैनिक आपस में टकरा रहे हैं। वो उनसे टकराता है, फिर उठता है, फिर दौड़ना शुरू कर देता है। वो लगभग 1/4 मील दौड़ता है। हम देखते देखते थक जाते हैं, ये कब पहुंचेगा। और आप सोचिए ये सीन जब शूट हो रहा था तो एक्टर जॉर्ज मके और कैमरा क्रू लगातार दौड़ रहे थे। यही है सिंगल टेक, यही है 1917। आपने फिल्म की इतनी तारीफ सुन ली, पर फिल्म तो लोग बनाते हैं, इसलिए अब अपन आपको 1917 के लोगों के बारे में बताते हैं। सबसे पहले तो इसकी कहानी, फिल्म का मिजाज, जिसके बारे में आपको मैंने बताया, लेकिन लोगों में सबसे पहले किसके बारे में बताएंगे, डायरेक्टर के बारे में। इसे लिखा भी उन्होंने है, यानी हैवी प्रोफाइल है, राइटर एंड डायरेक्टर। इनका नाम है सैम मेंडेज। ये इंग्लिश थिएटर की बैकग्राउंड से आते हैं। 1999 में इनकी पहली फिल्म आई तो लोगों को लगा कि किसी ने सेलुलॉइड पे रेनबो यानी कि इंद्रधनुष बना दिया। कौन सी फिल्म थी ये, अमेरिकन ब्यूटी। नहीं देखी तो खोज के देखिए। इस फिल्म के लिए इन्हें बेस्ट डायरेक्टर का ऑस्कर मिला था। 20 सालों का सिनेमा करियर है। 1917 आठवीं फिल्म है। अगर आप बहुत फिल्में नहीं देखते तो भी आपने इनकी एक आध फिल्म देखी होगी, और मेरे इस कॉन्फिडेंस की वजह है इन्होंने जेम्स बॉन्ड सीरीज की भी 2 फिल्में बनाई हैं, 2012 की स्काईफॉल, एडेल की आवाज में वो गाना, और 2015 में आई इसी सीरीज की फिल्म स्पेक्टर। 1917 की कहानी डायरेक्टर साहब के पास बचपन से थी। कैसे थी, वैसे ही जैसे हम सब के पास होती है, दादा के मुंह से सुनी कहानी। इनके दादा थे अल्फ्रेड मेंडेज, उन्होंने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर लड़ा था।
उनका काम क्या था? एक पोस्ट से दूसरी पोस्ट तक संदेश पहुंचाना। उन्होंने बचपन में सैम को एक मैसेंजर की कहानी सुनाई थी, धुंधली सी सही, वो कहानी सैम को याद रही और यहीं से फिल्म का बेसिक प्लॉट बना। ये तो प्लॉट हो गया, राइटर डायरेक्टर से मिल लिए, लेकिन इसको मूर्त रूप देते हैं एक्टर। दो लीड एक्टर, दोनों अपेक्षाकृत नए हैं, लेकिन अपेक्षाकृत। ब्लेक का रोल किया है डीन चार्ल्स चैपमैन ने। आपने अगर जीओटी देखा है, आप जीओटी के अगर जावड़ वाले फैन हैं, तो आपको याद होगा सर्सी का छोटा बेटा टॉमिन बराथियन, ये रोल चैपमैन ने ही प्ले किया था। 2019 में टिम्थी शालामे के साथ उनकी एक पीरियड फिल्म भी आई थी, द किंग, ये भी देखने लायक है। दूसरा कैरेक्टर स्कोफील्ड, इसका रोल किया है जॉर्ज मके ने। कई लोगों के लिए वो नया चेहरा है, ज्यादातर लोगों के लिए, लेकिन एक सच्चाई ये भी है कि वो पिछले 18 साल से ब्रिटेन में फिल्में कर रहे हैं। इस फिल्म का वो सेंट्रल कैरेक्टर हैं, उनका स्टेमिना उम्मीद बख्श है। अब बात करेंगे सिनेमेटोग्राफर की। आप कहेंगे ऑस्कर वाली फिल्मों में आप हमेशा तो सिनेमेटोग्राफी के बारे में बात नहीं करते। हम कहेंगे हम हमेशा ऐसी फिल्मों के बारे में भी बात नहीं करते जिन्हें सिनेमेटोग्राफी का ऑस्कर मिला है। इस फिल्म की जान है सिनेमेटोग्राफी। ये कैमरा वर्क किया है रॉजर डीकिंस ने। वो दुनिया के आज की तारीख में, इस बात पे डिबेट हो सकती है और आप जीत भी सकते हैं, बेस्ट सिनेमेटोग्राफर्स में से एक हैं। आप कहेंगे आधार, मैं कहूंगा उदाहरण झेलिए। ब्लेड रनर 2049, सिकेरियो, द शशांक रिडेम्पशन, द बिग लवर्स की, अ ब्यूटीफुल माइंड, स्काईफॉल, ये सब मेरी फेवरेट फिल्में हैं। आपने अगर इनमें से एक भी नहीं देखी तो कॉपी कलम लेके नोट कर लीजिए, जरूर देखिए। इन सब की सिनेमेटोग्राफी रॉजर ने की है। ब्लेड रनर 2049 के लिए उन्हें बेस्ट सिनेमेटोग्राफी का ऑस्कर मिल चुका है, यानी ये दूसरा है, और नॉमिनेट 15 बार हो चुके हैं भाई साहब। ऑस्कर वाली फिल्म है। इस एपिसोड में 1917 के बारे में बताया, अगले एपिसोड में बात करेंगे फिल्म जूडी की, हॉलीवुड की मशहूर एक्ट्रेस और सिंगर की कहानी जिसके आखिरी दिन बहुत बुरे बीतते हैं। सिनेमा की ऐसी ही जामफाड़ खबरों के लिए, जावड़ खबरों के लिए देखते रहिए आपका अपना चिकोलाइट प्लेटफॉर्म ललन टॉप। थैंक यू।